रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे एलपी सीबीटी 2 परीक्षा का एक क्लास है, क्लास नंबर 39 है। 38 का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से सारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और रेडियो टीवी का देख सकते हैं। तो ये इस वीडियो में थोड़ी सी बात कर रहे हैं रेडियो रिसीवर और इंस्ट्रूमेशन का जो प्रश्न छूट गया था उसको इसमें कवर करेंगे, और ये पूरी तरह से ज़्यादा इसमें रेडियो टीवी मैकेनिक और थोड़ा कम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है। तो यहाँ आप अप डाउन कंडीशन से देख ले अप कौन है डाउन कौन है, तो नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का थोड़ा कम है। और ये रेडियो रिसीवर से प्रश्न डायरेक्ट होते हैं, इसमें सोल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं होता, बस एक वन लाइन क्वेश्चन आता है, अगर याद है तो बनाइएगा, नहीं तो नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं। और ये मिशन 26.5 मार्क्स जो क्वालिफाई के लिए पार्ट बी में है उसका चल रहा है प्रोसेस। तो चलिए अगला हम प्रश्न के, थोड़ी सी प्रश्न है, 15-17 प्रश्न है, तो थोड़े थोड़े करते चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रश्न आएगा उसमें पूछ रहा है सबसे ज़्यादा IF रेडियो फ्रिक्वेंसी का प्रयोग ट्यूनिंग में किया जाता है वो बताना है। तो यहाँ आप देखेंगे तो कितना कितना से दिया हुआ है, IF फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है, और आपके पास उसमें पूछ रहा है 500, ये देख ले यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, 540 से 1650 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के लिए सबसे अच्छा इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी क्या होता है। तो कहीं भी आप जाइएगा तो आँख मूंद के आप देखेंगे तो एक ही प्रश्न मिलेगा, 455 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी कौन सी है, आपका इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी है, तो ये भी ध्यान दिखेगा। और एक प्रश्न इमेज फ्रिक्वेंसी की आ रही है, तो वो मैंने कल वाले वीडियो में बता दिया है, इमेज फ्रिक्वेंसी का कैलकुलेशन आ जाया करता है। और इमेज फ्रिक्वेंसी बराबर क्या होता है, 2 गुना आपका बीच का फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है प्लस इमेजिनरी फ्रिक्वेंसी, ऐसे करके कैलकुलेशन है, तो वो ध्यान रखिएगा, वो हमेशा सबसे ज़्यादा होता है, इमेज फ्रिक्वेंसी सभी फ्रिक्वेंसियों से ज़्यादा होता है। उसके बाद हम यहाँ दूसरे नंबर प्रश्न में बात करेंगे। तो यहाँ आंसर आपको मिल गया है, आंसर राइट सी है। उसके बाद कह रहा है AM डिटेक्टर सर्किट का कार्य क्या होता है वो बताना है। तो इसमें आप दो तीन चीज़ें देखेंगे, तो पहला कह रहा है डिस्कार्ड कैरियर, कैरियर को हटा देना, उसके बाद रेक्टिफाई इनपुट सिग्नल को रेक्टिफाई करना, उसको करेक्शन करना या सही करना, और तीसरा कह रहा है प्रोवाइड ऑडियो सिग्नल। तो ये AM डिटेक्टर का तीनों काम होता है, तो इनमें से सभी राइट आंसर है, राइट आंसर आपका डी है। और एक बार फिर से मैं मार्क कर रहा हूँ जिनको आंसर नहीं क्लियर होगा। उसके बाद हमारे पास तीन नंबर प्रश्न है जिसमें पूछ रहा है एक रजिस्टर द्वारा नॉइज जनरेशन किसके डिपेंड करता है वो आपको बताना है। एक रजिस्टर का नॉइज जनरेशन किस पे डिपेंड करता है, पहला कह रहा है उसका रेजिस्टेंस वैल्यू, यानी कहें कि 100 ओम का रेजिस्टेंस और 500 ओम का रेजिस्टेंस, कौन ज़्यादा नॉइज जनरेशन करेगा, तो ये बिल्कुल अप्लीकेबल नहीं होता। दूसरा कह रहा है ईट ऑपरेटिंग टेम्परेचर, यानी 50 डिग्री पे ऑपरेट हो रहा है या 100 डिग्री पे ऑपरेट हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी कंडक्टर मटेरियल या सेमीकंडक्टर मटेरियल टाइप का होता है इसमें टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो या तो उसकी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है तो बढ़ती है, यानी कंडक्टर का बढ़ती है, और अगर सेमीकंडक्टर है तो घटती है, तो यहाँ भी नॉइज उसी तरह रिलेशन है। तो दो ही ऑप्शन से अपना क्लियर हो गया, नॉइज जनरेशन डिपेंड करता है ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे, कितना टेम्परेचर पे वो काम कर रहा है। उसके बाद हमारे पास चार नंबर प्रश्न है एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी में बदलाव के लिए जिस कैरियर वेव को होता है वो क्या कहलाता है। एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी में चेंज यानी बदलाव करने के लिए होता है उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ है दिया हुआ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तीसरा एंगल मॉड्यूलेशन और चौथा करा मॉड्यूलेशन। तो देखिए कुछ लोग गलतीवश इसको फ्रिक्वेंसी या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन समझ लेंगे एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी देख के, लेकिन कैरियर में बदलाव करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं मॉड्यूलेशन, और राइट आंसर यहाँ पे डी है। और मॉड्यूलेशन के टाइप है अलग अलग, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और आपका एंगल मॉड्यूलेशन जो है, तो राइट आंसर यहाँ आपको क्या मिला, मॉड्यूलेशन, केवल बदलाव करने की क्रिया को, कैरियर वेव के बदलाव करने को फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन वगैरह आगे आती है, लेकिन सबसे पहला टॉपिक है आपको मॉड्यूलेशन। उसके बाद पांच नंबर प्रश्न है जिसमें पूछ रहा है इंस्ट्रूमेंट का आ गया यहाँ पे, उसके बाद फिर से हम रेडियो रिसीवर पाएंगे। तो पांच नंबर प्रश्न है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग स्प्रिंग का वर्क क्या होता है,
तो कंट्रोलिंग स्प्रिंग की बात कभी भी किया जाए तो क्या बोलते हैं इसे, फॉस्फर ब्रोंज। किस मटेरियल का बना होता है, फॉस्फर ब्रोंज का, ये याद रखिएगा। और ये क्या काम करता है, इंस्ट्रूमेंट में आपका जो डिफ्लेक्शन है उसको कंट्रोल करने का है, यानी जीरो पोजीशन पे लाने का काम करता है। एंटी क्लॉकवाइज लगा हुआ रहता है आपका इंडिकेटर का और एक पॉइंट से जुड़ा हुआ रहता है। तो एक काम तो इसका है कि विद्युत धारा गुजारना, क्यों, क्योंकि इसी के द्वारा करंट आपके मीटर में घुमाया जाता है, तो ये भी एक काम है। और दूसरा करना है नियंत्रक बल पर आघूर्ण लगाना, यानी उसको नियंत्रण यानी कंट्रोल, जैसे देख रहे हैं कंट्रोलिंग स्प्रिंग है तो कंट्रोल का, यानी कह सकते हैं कि प्रश्न सी राइट आंसर है आंसर इसका। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, दोनों होगा, ए एंड बी, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग स्प्रिंग का काम क्या होता है, चल यंत्र को विद्युत धारा गुजारना और नियंत्रण बल यानी आघूर्ण बल आघूर्ण का भी कंट्रोल करना, दोनों काम है, राइट आंसर सी है। उसके बाद 6 नंबर में बात करेंगे, किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में एसी के वेव फॉर्म और फ्रीक्वेंसी से प्रभावित नहीं होता, ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपको बताना है नीचे दिए गए में से जिस पे फ्रीक्वेंसी और वेव फॉर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऑप्शन दिया हुआ है टाइप इंडक्शन टाइप, इलेक्ट्रोस्टेटिक टाइप, मूविंग आयरन टाइप और हॉट वायर टाइप। तो ध्यान दीजिएगा, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा जिसमें जंक्शन पे होता है, उसमें वेव फॉर्म और फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन नहीं होता, राइट आंसर कह सकते हैं, तो आपके पास डी है। उसके बाद हमारे पास 7वें नंबर प्रश्न आ जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ डी आप क्लिक कर लें। तो टीवी एंटीना के निम्नलिखित भाग जरूरी है, टीवी के एक एंटीना होता है जो टेलीविजन कह सकते हैं, इसके एंटीना में निम्नलिखित भाग जरूरी है उसको पूछा गया है। पहला क्या है, डाइपोल, डाइपोल एंड डायरेक्टर, डाइपोल डायरेक्टर एंड रिफ्लेक्टर और डाइपोल डायरेक्टर रिफ्लेक्टर एंड बूस्टर। तो आज के डेट में बूस्टर शायद कम ही लगता है, लेकिन सिस्टम में एक ज़रूरत है एंटीना का, वो तीनों चीज़ें ज़रूरत है, चारों, डाइपोल डायरेक्टर रिफ्लेक्टर एंड बूस्टर। बूस्टर आपका कई बार आप घरों के एंटीना में देखते थे, तो यहाँ एक खंभे पे या जिस पे हमने एंटीना ऊपर लगाया करते थे उस पे लगता था। और सबसे पहले बड़ा वाला जो रिफ्लेक्टर होता है, तो बड़ा एंटीना रहता है, एक आपका डाइपोल रहता है जिसमें आप तार जोड़ के नीचे की तरफ टीवी में लाते थे, और उसके बाद आगे छोटी छोटी दो तीन रेखाएं इस रिफ्लेक्टर से छोटी होती है, इसे बोलते हैं आप डायरेक्टर। तो डायरेक्टर, डाइपोल और रिफ्लेक्टर, यहाँ आपका हो गया रिफ्लेक्टर, इसे बोल दिए आपको डाइपोल, और इधर के डायरेक्शन में जो जा रहा है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टर, जिस डायरेक्शन, रिफ्लेक्टर नहीं सॉरी डायरेक्टर। तो ये चारों पार्ट का ज़रूरत है और बूस्टर भी ज़रूरत है। तो एक टीवी एंटीना के चार पार्ट होते हैं, चाहे बूस्टर आपको किस अंदाज में लगा है उसको आपको ध्यान से देखना चाहिए। उसके बाद हमारे पास 8 नंबर प्रश्न है, रेडियो फ्रिक्वेंसी का अधिकतम मान वर्तमान में है जो प्रसारण सेवा में प्रयोग होता है, और कह दें कि सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी क्या यूज होता है आज के डेट में वो बताना है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, चाहे माइक्रोवेव हो या किसी टाइप का हो। तो यहाँ कह रहा है 500 मेगाहर्ट्ज, 100 मेगाहर्ट्ज, 100 गीगाहर्ट्ज और 100 किलोहर्ट्ज। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आज के डेट में माइक्रोवेव का है, तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी एक्स बैंड, क्यू बैंड वगैरह होता है, तो उसमें प्रयोग अभी भी बहुत कम हो रहा है, 18 गीगाहर्ट्ज वगैरह तक यूज हो रहा है। लेकिन एग्जैक्ट अगर इसकी आज के डेट में इसकी उपयोगिता बोले अधिकतम वर्तमान में, तो वो है 100 गीगाहर्ट्ज, राइट आंसर यहाँ पे आपका सी है, जो 100% अभी यूज नहीं हो पा रहा है, लेकिन यूज हो सकता है इसके लिए आपका फ्रीक्वेंसी का रेंज पे। उसके बाद हम 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, तो यहाँ स्क्वेंच सर्किट है, स्क्वाइल्च कह सकते हैं, टाइप ऑफ स्क्वाइल्च सर्किट, कट ऑफ, क्या कट ऑफ करता है आपके सिस्टम में, रेडियो रिसीवर एंटीना वगैरह में। तो इसके सबसे पहले लोग बोलेंगे कि इस सर्किट का पर्पस क्या होता है, क्या होता है, तो इतना ज़्यादा डिटेल में किसी को भी नहीं पता, और कोई स्पेशली इसमें क्लास किया होगा इसके बारे में वो ज़्यादा जान सकता है। तो यहाँ पे हम केवल ऑप्शन की बात करेंगे, तो चार ऑप्शन है, RF इंटरफेस वेन सिग्नल वीक, दूसरा कह रहा है IF, RF मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी और IF मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर वेन ACG लॉस या कम होता है, ACG क्या होता है, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। उसके बाद IF वेन ACG मैक्सिमम बहुत ज़्यादा होता है,
तब, और लास्ट में पूछ ऑप्शन पूछ रहा है एन ऑडियो एम्पलीफायर व्हेन कैरियर इज एब्सेंस। तो कह सकते हैं कोई भी सिग्नल जाता है उसमें कैरियर किससे बोलते हैं, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को। अगर ये रिसीवर तक नहीं पहुंच रहा है रेडियो रिसीवर में, तो ये सर्किट स्क्वेंच क्या करता है, उसको एब्सेंट रहने पे ऑडियो एम्पलीफायर को कट ऑफ कर देगा। तो राइट आंसर डी है, एन ऑडियो एम्पलीफायर व्हेन दी कैरियर एब्सेंस, कैरियर नहीं मिलेगा तो सर्किट को कट ऑफ कर देगा। तो ये प्रश्न हमारे पास हो गए 9 तक, अब 10 से लेंगे। तो 10 हमारे पास प्रश्न यहाँ पे है। तो 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से कौन सर्किट SSB सिंगल साइड बैंड डीमोडुलेट नहीं कर सकता। सिग्नल को मॉडुलेशन और डीमोडुलेशन जानते हैं, जब आप सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो ट्रांसमिट के टाइम पे क्या करते हैं, मॉडुलेशन, और जब रिसीव होता है वहाँ करते हैं डीमोडुलेशन। तो डीमोडुलेशन करने की क्रिया को बोलते हैं डीमोडुलेट, और ये किसके द्वारा नहीं हो सकता है वो बताना है। तो यहाँ देखें, बैलेंस मॉडुलेटर, प्रोडक्ट मॉडुलेटर, BFO और फेज डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर आप देखेंगे, यहाँ पे फेज डिस्क्रिमिनेटर ये काम करता है FM को करने के लिए, क्या करने के लिए, FM को डीमोडुलेशन करने के लिए। और यहाँ पूछ रहा है SSB सिंगल साइड बैंड, ये शायद आपका AM का टाइप होता है या वर्सेटाइल जो वगैरह होता है AM का होता है, लेकिन आंसर बुक में जो दिया हुआ है वो क्लियर है, फेज डिस्क्रिमिनेटर नहीं यूज होता है SSB को डीमोडुलेट करने में। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, FM सिग्नल को डीमोडुलेट करने में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे नहीं करने की बात था, यहाँ पूछ रहा है किया जाता है। तो पहले दिया हुआ है बैलेंस मॉडुलेटर, फोस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर, A and B बोथ और नन ऑफ दी डीज। तो FM की सिग्नल को डिमोडुलेट करने के लिए फोस्टर सिले डिस्क्रिमिनेटर यूज किया जाता है, राइट आंसर बी है। तो दोनों का ऑप्शन आप याद रखिएगा, तभी आपका काम चल जाएगा। इतना ज़्यादा डिटेल में पेपर बहुत ज़्यादा ITI लेवल पे नहीं आता, डिग्री और डिप्लोमा वाले बोलेंगे सारी गलती है, तो छोड़ दीजिए, उनकी बातों पे विश्वास नहीं कीजिए। ITI लेवल पे बस आपको आंसर याद रखना है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, तो 12 नंबर प्रश्न है, एक रिसीवर है पुअर IF सेलेक्टिविटी, पुअर खराब IF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का सेलेक्टिविटी रखता है, इट विल बी देयर फॉर आल्सो हैव पुअर। अगर सेलेक्टिविटी उसकी ख़राब है तो और क्या ख़राब हो सकता है, पहला करा है डबल स्पोटिंग, सेंसिटिविटी, ब्लॉकिंग और डबल स्पोटिंग। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ सेलेक्टिविटी ख़राब होती है तो ब्लॉकिंग भी ख़राब होगी उसकी, दोनों की पुअर होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको मिल गया है सी, रिसीवर की अगर सेलेक्टिविटी ख़राब है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की तो ब्लॉकिंग भी ख़राब होगी। उसके बाद हमारे पास 13 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछ रहा है रेडियो रिसीवर में सिंपल ACG ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल का काम क्या है, कैसा है। तो पहला कह रहा है इंक्रीज द सिग्नल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस मोर ACG, द रेडियो स्टेज गेन इज मोर नॉर्मली कंट्रोलेड बाय द ACG। तीसरा कह रहा है दी हाइएस्ट ACG वोल्टेज टू प्रोवाइड नहीं लिखा हुआ है पूरी तरह से, ये ध्यान दीजिएगा प्रोवाइड है, और नन ऑफ द डीज ये आपको बताना है। तो 13 का आंसर ये है, एन इंक्रीज सिग्नल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस मोर ACG ऑटोमेटिक गेन, ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड हो सिग्नल के स्ट्रेंथ के टर्म में, यही काम है रेडियो रिसीवर में सिंपल ACG का। बाकी ACG बहुत टाइप के आता है, सुपर हेटरोडाइन वगैरह सब बहुत टॉपिक होता है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है हमें एन इंक्रीज सिग्नल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस मोर ACG। उसके बाद हमारे पास 14 नंबर प्रश्न है, अकॉर्डिंग ये है ओवरलोडिंग से बचने के लिए IF एम्पलीफायर इन ए रिसीवर एंड शुड बी यूज। IF एम्पलीफायर रिसीवर में ओवरलोडिंग से बचने के लिए क्या यूज किया जाता है उसको बताना है। तो पहला कह रहा है आपने स्क्वेंच पढ़ा था, वेरिएबल सेलेक्टिविटी, वेरिएबल सेंसिविटी, डबल कन्वर्सन, ये चारों में से कौन सा राइट आंसर है। तो ये वेरिएबल सेंसिविटी यूज होता है ओवरलोडिंग से बचने के लिए या ओवरलोडिंग को कम करने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी है। और उसके बाद 15 नंबर और 16 नंबर दो प्रश्न और बचता है, तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट का है, दी ईरर ऑन इंस्ट्रूमेंट इज नॉर्मली गिवेन ए परसेंटेज ऑफ।
किसके टर्म में दिया जाता है, किसके टर्म में, पहला आपका मेजरेज वैल्यू जो आपने डाटा 10 एम्पियर 10 वोल्ट या कुछ और डाटा मेजर किए उसके टर्म में, फुल स्केल वैल्यू में यानी मीटर रीड कर सकता है 100 वोल्ट तो 100 वोल्ट के टर्म में, मीन वैल्यू में और आरएमएस वैल्यू में। तो ध्यान दीजिएगा जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं अगर 0 से 100 तक ये रीड करने की कैपेबिलिटी रखता है तो उसमें इरर हमेशा 100 पे कैलकुलेशन होता है और इसे बोलते हैं फुल स्केल वैल्यू के टर्म में इरर इंस्ट्रूमेंट काउंट किया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ बी हो गया। उसके बाद 16 और 17 नंबर दो प्रश्न है। पहला 16 नंबर है, किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में एडी करेंट और हिस्टेरिस लॉस ऑकुर नहीं होता है। अभी हमने बात किया था फ्रीक्वेंसी एंड आपकी वोल्टेज या वेव फॉर्म से किस में नहीं होता है, तो उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हमने हॉट वायर बोले थे, लेकिन यहाँ बोल रहा है करंट और हिस्टेरिस लॉस का असर नहीं पड़ता उसको बताना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट परमानेंट मैग्नेट क्वाइल PMAC परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट और है इलेक्ट्रो डायनोमोमीटर। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में एडी करंट और हिस्टेरिस लॉस का असर नहीं होता है। राइट आंसर आपके पास ए है। तो ये भी मिल गया, हॉट वायर में फ्रीक्वेंसी एंड वेव फॉर्म का असर नहीं होता तो दो है। उसके बाद आपका परमानेंट मूविंग क्वाइल मीटर केवल डीसी पे काम करता है एसी पे नहीं, और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एसी एंड डीसी पे दोनों पे काम करता है। तो कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो सारा चीज़ क्लियर होते जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में लीनियर स्केल होता है ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा PMMC परमानेंट मूविंग क्वाइल, तो यहाँ पे आप ढूंढ लें कहाँ पे है मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट का स्केल लीनियर होता है, यानी कह दे ऐसा है एक स्केल है, तो यहाँ पे आपका 5 है तो 10 है 15 है 20 है 30 है, इस टाइप के एकदम बिल्कुल सारे बराबर 5, 10, 15, 20, 25 उसके बाद 30 ऐसा स्केल होता है, इसे बोलते हैं लीनियर, यानी सब जगह एक जैसा बराबर। अगर यहाँ 5 के बाद आकर कहीं इंस्ट्रूमेंट में 30 मिले 50 मिले और 100 मिले तो इसे बोलते हैं नॉन लीनियर, और ये इंस्ट्रूमेंट होता है मूविंग आयरन में, थर्मोस्टेट में, हॉट वायर या बाकी टाइप में। तो मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट को कई बार पूछ दिया जाता है कि मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को कैसे पहचाना जाता है, तो लीनियर स्केल से। अगर लीनियर स्केल है तो आपका इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार का है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। तो उम्मीद है कि हमने ये छोटा सा प्रयास करते जा रहे हैं आपके लिए, मिशन 26.5 मार्क्स आपको जरूर दिलाएगा, और ये क्लास नंबर 39 यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।